हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पे। आज है 14 मई और आज के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 4 दशकों में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। इस अध्ययन ने कहा है कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मात्रा 15% और अप्रैल में 30% तक कम हो गया है। अध्ययन यह भी कहता है कि तेल और गैस कोयला की नवीनतम खपत की गिरावट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में देश में 2019-20 में से 30 मिलियन टन तक गिर गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो जब चली वाहन लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कम हुआ है, 30% तक कम हुआ है अप्रैल में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि टीबी, एड्स और मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया का स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली का पूरा ध्यान कोविड-19 की ओर बढ़ रहा है। इस अध्ययन के अनुसार ये भी बताया गया कि भारत में 2020 और 2025 के बीच हर महीने में लॉकडाउन से 40,685 अतिरिक्त मौतें होंगी। ये मौतें केवल तपेदिक के कारण होने वाली हैं। पूरे विश्व में इसके कारण केन्या में को अधिकतम मौत का सामना करना पड़ेगा, इसके बाद यूक्रेन और भारत में सर्वाधिक मौत है, क्योंकि अभी कोविड-19 पे पूरा फोकस है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका कोई चेकअप नहीं हो पा रहा, बच्चों को मेडिसिन नहीं दिया, अभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, और इस वजह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें आगे जाके बहुत भयंकर होने वाली हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR घरेलू सर्वेक्षण करेगा। इस सर्वेक्षण के तहत विभिन्न जिलों में 24,000 वयस्कों में एंटीबॉडी परीक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के तहत सभी जिलों में व्यक्तियों का परीक्षण किया जाएगा। हर जिले में सर्वेक्षण करने के लिए 10 स्वास्थ्य सुविधाओं को नियोजित किया जाएगा। इसमें 6 सार्वजनिक होंगे, 4 निजी होंगे। ये स्वास्थ्य सुविधाएं 100 स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को 50 आउट पेशेंट्स का चयन करेगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को इन्फ्लुएंजा नहीं है उन्हें भी चुना जाएगा। तो अभी ये चेकिंग शुरू हो रही है। 24,000 वयस्कों को एंटीबॉडी परीक्षण किया जाएगा। इस विभिन्न जिलों में अलग अलग से ICMR ने शुरू किया है अब चेकिंग, जिससे पता चलेगा कि कितनों को इन्फ्लुएंजा है, कितनों को जुकाम खांसी है, और उससे होने वाले आगे तक कंडीशंस क्या, कहां तक पहुंचने वाली है। 12 मई 2020 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और स्थानीय आयोजन समिति ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप को पुनर्निर्धारण किया है। यह खेल शुरू में 2 नवंबर 2020 से आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसको स्थगित करके टूर्नामेंट को 17 फरवरी 2021 और 7 मार्च 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो 2021 में आयोजित होने वाला, पहले ये नवंबर में होने वाला था फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का। मोदी जी ने उस दिन अपने संबोधन में 5 स्तंभ बताए थे। पहला, भारत एवं प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभों को कार्य करेगा। ये स्तंभ 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने में मदद करेंगे। यह स्तंभ में आर्थिक परिवर्तन, जो न केवल वृद्धिशील परिवर्तन लाएगा बल्कि क्वांटम जंप में भी मदद करेगा। अधोसंरचना आधुनिक भारत पर प्रतीक बनेगी। सिस्टम तकनीकी से संचालित होगा और 21वीं सदी में सपने को पूरा करने में मदद करेगा। भारत की जनसंख्या आत्मनिर्भरता भारत का स्रोत और ताकत है। आपूर्ति और मांग का चक्र यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित होगा कि देश में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। ये कुछ 5 स्तंभ थे, मे बी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने दोबारा इसको, कल भी मैंने डिस्कस किया था लेकिन इस प्रॉपर वे में नहीं था, वहाँ केवल हेडिंग थे, आज इसको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। यह फंड का उपयोग भारत की प्रयोगशाला क्षमता को मजबूत करने के लिए भी किया जाएगा। इसके विशेष रूप में सीरोलॉजी और आणविक निदान शामिल हैं। इस फंड का उपयोग संक्रमण निवारण और नियंत्रण केंद्रों की सहायता के लिए भी किया जाएगा। यह केंद्र कोविड-19 का पता लगाने एवं अस्पताल में नेटवर्क की क्षमता को सुधार करने में भी प्रयोग करेंगे। तो अमेरिका ने कितना बिलियन डॉलर दिया है, अभी $3.6 मिलियन। काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर ने स्वास्थ्य वायु नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया। यह वेंटिलेटर को 36 दिनों के रिकॉर्ड समय में डिजाइन किया गया है। CSIR द्वारा विकसित यह वेंटिलेटर एक डॉन इन्वेंसिव BIPAP वेंटिलेटर है। यह वेंटिलेटर बिट इन बायो कंपेटेबल
कैपलर और एक उच्च दक्षता युक्त फिल्टर से बना है। ये सुविधा वेंटिलेटर की कोविड-19 के प्रति भय को कम करने में सहायता करेगी। तो हमने अपना अपना वेंटिलेटर भी अब डेवलप कर लिया है, उसका नाम क्या है, स्वस्थ वायु। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय में चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल एक प्रौद्योगिकी संचालन नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता के लिए आधुनिक ICT उपकरण बनाता है। चैंपियन का अर्थ है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन मॉडर्न प्रोसेस। इसका उद्देश्य उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना है। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने एक चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल क्या है, प्रौद्योगिकी संचालन नियंत्रण कक्ष प्रबंधन की सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो भी काम किए जा रहे हैं, वो सबको नियंत्रण करेगा। बेंगलुरु के कैपागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में 4 साल से 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डा को यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डा परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। यह सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डों को शामिल होते हैं। कंपनी के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरी के मरार ने 11 साल पुराने हवाई अड्डे के लिए इसे एक कीर्तिमान बताया है। भारतीय चित्रकला अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC चयनित जिलों में एक सैरो सर्वेक्षण करेगा। यह सैरो सर्वेक्षण के लिए गले और नाक के श्वास RT-PCR परीक्षण में एकत्र किए जाएंगे और वर्तमान परीक्षण दिशा निर्देश के अनुसार नियमित परीक्षण के अलावा यह निगरानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय सैरो परीक्षण आवश्यक है, क्योंकि सभी जिलों में SARS-CoV-2 संक्रमण के लिए व्यवस्थित निगरानी की स्थापित करना आवश्यक है। तो ये थे आज के मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।